के सदर डॉक्टर मनोज साहब, एमएलसी फारूक हुसैन साहब, हाफिज समी साहब, तबारक अली साहब, कादर भाई खान साहब, भाई अख्तर पटेल, वक्त की कमी है, आप सबको सलाम अलैकुम। अभी फारूक साहब जो बताए इफ्तार दावते इफ्तार की मामला ये सिद्दीपेट से सीएम केसीआर साहब ने शुरू करे। जब पहली बार केसीआर साहब एमएलए बने तब से शुरू होके बन रहे, हुकूमत के तरफ से भी पूरे कलेक्टर्स मिनिस्टर्स जाके हर जिले में, हर तालुका में, हर शहर में आज ये इफ्तार की दावत दे चुके हैं। दावत की बात बड़ी नहीं है, अपना इज्जत बढ़ाए सरकार में, सीएम साहब ने हुकूमत के तरफ से कोई राज्य में नहीं हो रहा, पूरा इंडिया में अगर से सरकार के तरफ से दावत इफ्तार पूरे कलेक्टर एसपी मंत्री आके आपके साथ बैठे, ये तेलंगाना राज्य में होते हैं। क्यों बोलते, अपने सीएम साहब बहुत अच्छा जानते हैं हिंदू मुसलमान मिल रहना, मिलके रहना, जो अपना रीति रिवाज अच्छी तरीके से सीएम साहब पहले से जानते हैं। इस वास्ते सीएम साहब ने एक अच्छी रास्ता पूरा देश के लिए दिखाया। आप सबसे मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूँ, सिद्दीपेट इतना अच्छा डेवलप हो रहा बोले तो अल्लाह का दुआ है, आप सबका दुआ है, सीएम केसीआर साहब का दुआ है। आप कहीं शहर में जाओ लोग बोलते सिद्दीपेट में काम अच्छा हो रहा, यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में कोई भी उंगली लगा के आपको नहीं दिखा सकते। परसों हम डबल बेडरूम में फारूक साहब मैं गया, कम से कम वहां पर एक 2400 घर दिए, उसमें एक 500-600 मुसलमान लोगों को, गरीब लोगों को दरखास्त दिए तो घर मिल गया। एक एक घर 15-20 लाख रुपए रहते, 550-600 लोगों को आज गरीब मुसलमानों को डबल बेडरूम मकान सिद्दीपेट शहर में मिला। इसमें कोई पायलवी नहीं है, एक रिश्वत नहीं है और कुछ नहीं है। वहां पर टेम्पल बना रहा हूँ, मस्जिद बना रहा हूँ, हर कोई बना रहा हूँ। ऐसे जहां पर भी कुछ इश्यू आए तो हम आपके साथ है, आगे भी सिद्दीपेट के डेवलपमेंट के लिए, हमारे माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए पूरी पूरी साधार होगा। हमारे गौस मोहिद्दीन साहब ने कब्रस्तान का कंपाउंड वॉल पूरा करने के लिए पूछे थे, उसको 15 लाख रुपए सैंक्शन भी हो गए, एक महीने में वो एक महीने के अंदर वो पूरा काम करके आपका हवाला कर देंगे। और कहां पर भी कुछ काम है पूरी पूरी तरीके से मैं मदद करता हूं, अपने शहर का डेवलपमेंट, अपने सिद्दीपेट का डेवलपमेंट के साथ पूरा तेलंगाना में आज सीएम केसीआर साहब ने माइनॉरिटीज को इतना चांसेस दिए। इसके पहले एक कारपोरेशन चेयरमैन रहते थे, आज कितने कारपोरेशन चेयरमैन दिए सीएम साहब, कम से कम 4-5 लोग आज स्टेट लेवल कारपोरेशन चेयरमैन दिए। सिर्फ माइनॉरिटीज का नहीं दिए, दूसरा भी दिए सीएम साहब ने, इंडस्ट्रीज के साथ बड़े बड़े दिए। रमजान का मौसम आया तो बिजली नहीं रहता था, जब कांग्रेस के जमाने में मैं करंट डिपार्टमेंट बुला के, अरे भाई नमाज के टाइम में करंट मत निकालो, करंट मत काटो, शाम के टाइम में करंट मत काटो, सुबह लोग उठते हैं 5 बजे करंट रखना बोल के मीटिंग रखना पड़ता था। आज के तो करंट कट का बात ही नहीं है, पानी का तकलीफ ही नहीं है, ये इतना अच्छा काम हो रहा। शादी मुबारक जैसा स्कीम दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ केसीआर साहब ने लाए। और अभी हमारे सदर साहब बताए जैसा, ऑफिस साहब बताए जैसा, रेजिडेंशियल स्कूल्स इंडिया के लिए मॉडल है, इतना रेजिडेंशियल स्कूल कहीं पर नहीं। परसों दिल्ली से एक रिपोर्ट आया, पूरा देश में माइनॉरिटी बच्चों का पढ़ाई कौन सा राज्य में अच्छा हो रहा बोले तो सिर्फ तेलंगाना में माइनॉरिटी बच्चों का पढ़ाई में नंबर 1 में तेलंगाना राज्य है। ऑफिस भाई ने टाइम हो गए बोले, बस आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करते हुए, ये आने के लिए आप सबको मैं शुक्रिया अदा करते हुए। थैंक यू।
जाकल्ला मान इफ्तार के बाद नमाज का इंतजाम भी है यहाँ पीछे में और मदीना फंक्शन हॉल में खाने का इंतजाम भी किया गया है, इसलिए आप तमाम हजरात सुकून से बगैर किसी जो है गड़बड़ के आप हजरात खाना खाकर जाइए। ये इंतजाम बरसा बरस से हो रहा है माशाल्लाह से। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ولمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الفاتحة اللهم لك الحمد وبك أمنت عليك توكل لا رزقك أبدت فتقبل إنك أنت السميع العليم के हिस्से में नमाज का इस्तेमाल किया गया है। आराम से आप हजरात इफ्तार कीजिए। नमाज होने के बाद मदीना फंक्शन हॉल में खाने का इस्तेमाल भी है, बगैर अफरा तफरी के आप हजरात सुकून से खाना वगैरह खाकर जाएंगे। बार बार जो है आप हजरात को तवज्जो